लेट सॉल्व नेक्स्ट प्रॉब्लम. नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस थ्री बेस टू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू. तो बच्चों हमें क्या गिविन है, हमें एक फंक्शन गिविन है, इस फंक्शन के डोमेन को हमें कैलकुलेट करना है. और ये जो प्रॉब्लम आपका पूछा गया है वो IIT JEE 2001 में पूछा गया. हमें क्या करना है, इस फंक्शन के डोमेन को कैलकुलेट करना है और बताना है कि ऑप्शन ए बी सी एंड डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. ठीक है, तो अगर मैं डोमेन की बात करूँ तो सिंपली हम लोग अगर डोमेन को डिफाइन करने की कोशिश करें तो हम लोग कह सकते हैं कि x की वो सभी वैल्यू जिसके लिए f x डिफाइंड है, या दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं x की वो सभी वैल्यू जिनके लिए हम लोग f x की डिफाइंड वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. तो x की वही सारी वैल्यूज क्या कहलाएंगी, f x के का डोमेन कहलाएंगी. ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई. और इन टाइप के प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कैसे कर पाएंगे, देखते हैं इन टाइप के प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे सॉल्व कर पाएंगे. देखो यहाँ पे जैसे मान लो कोई फंक्शन गिविन है, कैसा है, यहाँ पे कोई फंक्शन एफ एक्स गिविन है. किस फॉर्मेट में गिविन है, ये गिविन है एफ वन एक्स डिवाइडेड बाई एफ टू एक्स. न्यूमरेटर में क्या है, न्यूमरेटर में एफ वन एक्स है एंड डिनोमिनेटर में एफ टू एक्स है. हमें क्या कैलकुलेट करना है, एफ एक्स के डोमेन को कैलकुलेट करना है. तो जब भी इस फॉर्मेट में कोई फंक्शन गिविन है और आपसे कहा जाए कि एफ एक्स के डोमेन को कैलकुलेट कीजिए, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले एफ वन एक्स के डोमेन को कैलकुलेट कर लेना होगा. मान लिया इसका डोमेन डी वन है. ठीक है, कैलकुलेशन के बाद हमें क्या मिला, मान लिया एफ वन एक्स का डोमेन डी वन मिला. ठीक है, एक्स की कुछ वैल्यूज होंगी. ठीक, ऐसे ही कैलकुलेशन के बाद मान लिया एफ टू एक्स का डोमेन क्या मिला, डी टू मिला. ठीक, हम लोगों ने क्या किया, एफ वन एक्स एंड एफ टू एक्स के डोमेन को कैलकुलेट कर लिया. उसके बाद हमें क्या करना होगा, उसके बाद हमें डी वन एंड डी टू का इंटरसेक्शन लेना होगा. डी वन एंड डी टू का इंटरसेक्शन लोगे तो यहां पे क्या मिल जाएंगी, एक्स की कुछ वैल्यूज मिल जाएंगी. ठीक है, कुछ एक्स की वैल्यूज मिलेंगी. ठीक, अब क्या करेंगे, एक्स की इन वैल्यूज में से हम लोग एक्स की वो सभी वैल्यूज को एक्सक्लूड कर देंगे जिसके लिए क्या है, एफ टू एक्स, जिसके लिए एफ टू एक्स क्या है, जीरो जीरो है. ठीक है, यहां पे देखोगे एफ टू एक्स जीरो नहीं होना चाहिए. अगर एफ टू एक्स जीरो हो गया तो वन बाई जीरो वाला फॉर्म अनडिफाइंड फॉर्म हो जाएगा, एफ एक्स अनडिफाइंड हो जाएगा. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, डी वन एंड डी टू के इंटरसेक्शन से एक्स की वो सभी वैल्यू एक्सक्लूड कर देंगे जिसके लिए एफ टू एक्स जीरो है. तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं, इसके बाद हमें क्या करना होगा, हमें डी वन एंड डी टू के इंटरसेक्शन से एक्स की वो सभी वैल्यू एक्सक्लूड करनी होगी जिसके लिए एफ टू एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो जीरो के बराबर आ रही है. ठीक है, इसी प्रोसेस से हम लोग क्या कर सकते हैं, एफ एक्स के डोमेन को कैलकुलेट कर सकते हैं. अब देखो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यहां पे गिविन है. ठीक है, मैं यहां पे दोबारा से लिखता हूं इस प्रॉब्लम को. यहां पे प्रॉब्लम क्या गिविन है, एफ एक्स गिविन है लॉग एक्स प्लस थ्री बेस टू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू. हमें एफ एक्स के डोमेन को कैलकुलेट करना है, यही तो प्रॉब्लम था ना. ठीक है, एफ एक्स के डोमेन को कैलकुलेट करना है. तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसे जो न्यूमरेटर में फंक्शन है इसको एफ वन एक्स मान लेंगे एंड इसको कोई दूसरा फंक्शन एफ टू एक्स मान लेंगे. या कह सकते हैं हम लोग जो ये एफ एक्स है वो इस फॉर्मेट में गिवन है. ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एफ वन एक्स के डोमेन को कैलकुलेट करेंगे. तो अब देखो लॉग एक्स प्लस थ्री बेस टू एक्स की किन वैल्यूज के लिए डिफाइंड होता है, ये डिफाइंड होगा जब, ये कब डिफाइंड होगा, यहां पे लिखता हूं, ये डिफाइंड होगा जब x प्लस थ्री की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो होगी. ठीक है, या इसको हम लोग लिख सकते हैं जब x की वैल्यू ग्रेटर देन माइनस थ्री होगी, या इसे लिख सकते हैं जब x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस थ्री टू इन्फिनिटी होगा. ठीक है, इसके लिए log x प्लस थ्री बेस टू क्या होगा, डिफाइंड होगा. यानी एफ वन एक्स फंक्शन का जो डोमेन होगा वो ये हो जाएगा, या ये कह सकते हैं कि log x प्लस थ्री बेस टू का जो डोमेन होगा वो x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस थ्री टू इन्फिनिटी होगा. ठीक है, हम लोगों ने एफ वन एक्स का डोमेन कैलकुलेट कर लिया. अब एफ टू एक्स का डोमेन कैलकुलेट करेंगे. देखो जो एफ टू एक्स है, यहां पे गौर से देखना, जो एफ टू एक्स है वो क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. ठीक है, तो फंक्शन वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जितने भी अलजेब्रिक पॉलिनोमियल्स होते हैं उनका डोमेन क्या होता है, एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर. इसका मतलब ये हुआ कि एक्स की हर एक रियल वैल्यू के लिए कोई भी अलजेब्रिक पॉलिनोमियल डिफाइंड होता है. ठीक है, तो एफ टू एक्स का जो डोमेन होगा वो क्या हो जाएगा,
एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, या इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। यानी हम लोगों ने एफ वन एक्स एंड एफ टू एक्स के डोमेन को कैलकुलेट कर लिया। ठीक, अब इन दोनों का ही अगर इंटरसेक्शन लोगे, ठीक, इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन लोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहां से हमें मिलेगा x belongs to माइनस थ्री टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल माइनस थ्री टू इन्फिनिटी, ये मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ ये क्या मिला, d1 एंड d2 का इंटरसेक्शन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब x की इन वैल्यूज में से हमें x की कौन सी वैल्यू एक्सक्लूड करनी पड़ेगी जिसके लिए एफ टू एक्स जीरो है। ठीक है, तो यहाँ पे जब एफ टू एक्स जीरो है, इसको जीरो पुट करके x की वो सभी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ इसको सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से क्या मिल जाएगा, x कॉमन लोगे x प्लस टू प्लस वन एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे दो फैक्टर्स मिल जाएंगे x प्लस टू इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से x की दो वैल्यूज मिल जाएंगी, x इज इक्वल टू माइनस वन और x इज इक्वल टू माइनस टू। ठीक है, यानी x इज इक्वल टू माइनस वन और माइनस टू पे एफ टू एक्स क्या होगा, जीरो होगा। तो x की इन वैल्यूज को हमें क्या करना पड़ेगा, d1 एंड d2 के इंटरसेक्शन से एक्सक्लूड करना पड़ेगा। d1 एंड d2 के इंटरसेक्शन से x की जो वैल्यूज मिली उनमें से, इन वैल्यूज में से एक्सक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस थ्री टू इन्फिनिटी माइनस माइनस टू कॉमा माइनस वन। ठीक है, इसको इस तरीके से लिख दो, ये आंसर होगा। नहीं तो इसी चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू माइनस थ्री टू माइनस टू यूनियन माइनस टू टू माइनस वन यूनियन माइनस वन टू इन्फिनिटी। ठीक है, ओपन इंटरवल लगाना है। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ठीक, इसी चीज को हम लोगों ने क्या किया, इसी चीज को हम लोगों ने इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, तो अगर आपको चूज करना है कि ऑप्शन ए बी सी एंड डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस गिवन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट